Hello students, my name is Ashish Verma and I am here with your second chapter of Special English Class 12. The name of the chapter is The Diamond Necklace. What is in this chapter? It is a short story written by Guy de naam ke shakhs ne ise likha tha, GD, hai na? Unhone ek French writer the aur unhone ek irony ko ek bahut hi dukhad sthiti ek mahila ki batai hai, hai na? Yahan par कुछ कहावतें होती हैं जिसमें कहा जाता है कि जितनी चादर हो उतने पांव फैलाना चाहिए और साथ ही है ना ये भी कि इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और जब कोई शख्स अपने चादर से ज़्यादा पांव फैलाने की कोशिश करता है तो उन्हें लाइफ के किस बुरी सच का सामना करना पड़ता है वो इस स्टोरी में हमें बताया गया है. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ लेडी और अ गर्ल Name Methyl Louisel. Who was she? Let's start the chapter. We will know in this chapter. Here, Guy de Maupassant. इन्होंने इस poetry को लिखा है. इस chapter को लिखा है. Let's start. She was one of those pretty and charming young girl who sometimes are born. Methyl उन लड़कियों में से थी. बहुत जो बहुत ही चार्मिंग बहुत ही सुंदर लड़कियों में से जो कभी कभार ही धरती पर जन्म लेती हैं. एज इफ बाय अ स्लिप ऑफ फेथ इन टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स. लेकिन उसके दुर्भाग्य को देखिए कि उसकी जो शादी हुई वो कहाँ हो गई, क्लर्कों के परिवार में हो गई. वो थी भी छोटे परिवार से, उसकी शादी भी क्लर्क से हो गई. शी हैड नो डावरी, उसके पास देने के लिए दहेज नहीं था, नो एक्सपेक्टेशंस और कोई उम्मीदें भी नहीं थी कि कोई राजकुमार आएगा और उसे लेके जाएगा. नो वे ऑफ बींग नोन, अंडरस्टूड, लव्ड एंड वेडेड बाय एनी रिच. और कोई उससे अमीर आदमी उससे प्यार करेगा, उससे शादी करेगा, ऐसी कोई उम्मीदें उसे थी भी नहीं. एंड डिस्टिंग्विश्ड मैन, कोई अच्छा अलग सा आदमी, कोई राजकुमार टाइप आकर उसे ले जाएगा. सो शी लेट हर सेल्फ बी मैरिड, लेट हर सेल्फ, शादी होने दी उसने ना. वो कहते हैं ना कि भाई कितने ही आप शाहिद कपूर के सपने देख लो, मिलता आखिर में जेठालाल ही है. तो वो जेठालाल वाली ही स्टोरी थी इनके साथ में. बहुत ही सुंदर थी लेकिन इनके बहुत ही छोटे परिवार से आती थी, इसलिए कोई अमीर आदमी इनके सपनों का राजकुमार बन के कभी नहीं आ पाया. तो आखिरकार इन्हें एक क्लर्क से शादी करना पड़ी, है ना, टू अ लिटिल क्लर्क ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन. हालांकि सरकारी नौकरी में था. सरकारी नौकरी में क्लर्क क्या होता है, जो नौकरी में सबसे छोटा पद होता है, अकाउंट वगैरह का काम संभालते हैं. जैसे हम SBI के किसी भी बैंक में जाएंगे तो जो लोग कैशियर हैं ये सब क्लर्क ही होते हैं, है ना, जो पैसा गिन रहे हैं, जो वहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, ये सब क्लर्क हैं. तो वो क्लर्क था, सरकारी नौकरी में था. हालांकि शी ड्रेस्ड प्लेनली बिकॉज शी कुड नॉट ड्रेस वेल. गरीब थी, शादी भी क्लर्क से हुई है, कोई अमीर आदमी है नहीं, तो वो प्लेन कपड़े पहनती थी, सादे कपड़े पहनती थी क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी महंगे कपड़े. बट शी वॉज एज अनहैप्पी एज इफ शी हैड रियली फॉलन फ्रॉम अ हायर स्टेशन. किसी ने उसको बहुत ऊंचाई से फेंक दिया हो, इतनी ज़्यादा वो दुखी थी अपने जीवन से. सिंस विथ वुमन देयर इज़ अ नीदर कास्ट नॉर रैंक फॉर ब्यूटी ग्रेस एंड चार्म. वो अपने आप को बहुत ही सुंदर समझती थी और इवन वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी. और उसका मानना था कि मेरे जैसी महिला को तो बहुत ही उच्च घराने में जाना चाहिए था, मेरा स्टैंडर्ड ही अलग है, मैं इतनी सुंदर लगती हूँ लेकिन मेरी शादी एक इतने छोटे घर में हो गई. मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हूँ क्योंकि मुझे जो सुविधाएँ चाहिए वो कुछ भी यहाँ पर नहीं है ना. नेचुरल इग्निटी, इंस्टिंक्ट फॉर वॉट इज़ एलिगेंट, अ सपल माइंड आर देयर सोल हायरार्की. यहाँ पर उसका जो दिमाग था वो दिन भर वही चीज़ें सोचा करता था. वो हर चीज़ को लेके परेशान होती थी, हर चीज़ को लेके दुखी होती थी, है ना. अपने माइंड को उसने इस तरह से कर लिया था कि वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी कि मैं आखिरकार कैसे इस छोटे से परिवार में आ गई, है ना. और अपने आप को वो समझती थी कि मैं इतनी महान महिला हूँ, इतनी सुंदर महिला हूँ, मुझे तो कहीं और ही होना चाहिए था. मैथाइल सफर्ड सीजलेसली, हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा इसलिए हमें ध्यान से सुनना है. मैथाइल सफर्ड सीजलेसली, वो अपने आप को लगातार चिंतित और परेशान ही पाती थी, है ना. फीलिंग हरसेल्फ बोर्न टू इन्जॉय ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज. उसको लगता था कि मैं दुनिया के हर सुख उठाने के लिए, हर लग्जरी को भोगने के लिए पैदा हुई थी. शी वॉज डिस्ट्रेस एट द पॉवर्टी ऑफ हर ड्वेलिंग. ड्वेलिंग मतलब घर होता है. वो अपने घर की गरीबी से परेशान थी, है ना.
ऑफ द बेयरनेस ऑफ द वॉल्स, बेयरनेस इन्हें बंजरपन होता, दीवारों पे कोई बड़ी बड़ी पेंटिंग्स नहीं लगी जो अमीरों के घरों में लगी होती है, उसको ये देखकर भी दीवारों से चिड़ छूटती थी, उसकी पपड़ियाँ निकल रही थी दीवारों की, है ना। एट द शेबी चेयर, शेबी मतलब होता है बहुत ही पुराना, घिस घिस जाना किसी चीज़ का, तो पुरानी चेयर्स आवाज़ें कर रही हैं, दरवाजे आवाज कर रहे हैं। अगलीनेस ऑफ द कर्टेंस, पर्दे पुराने बिल्कुल अगली गंदे से पर्दे थे, ये सारी चीज़ें जिसको कोई अनादर वुमन उस रैंक की इवन माइंड भी नहीं करे, कॉन्शियस भी नहीं हो, सोचे भी नहीं, आज हमारे घर की दीवार है तो हम इतना उसको 2 घंटे तक निहारते नहीं रहेंगे कि इस पर पेंटिंग क्यों नहीं लगी हुई है। तो जो कोई सामान्य लेडीज़ जिस काम के बारे में सोचे भी नहीं, जिस चीज़ को लेकर कॉन्शियस भी ना हो, उन उन चीज़ों को लेकर मेथाइल्ड परेशान हो जाया करती थी। टॉर्चर्ड हर एंड मेड हर एंग्री, ये सारी चीज़ें उसे टॉर्चर करती थी, उसे गुस्सा दिलाती थी, उसे एंग्री करती थी। द साइट ऑफ लिटिल ब्रिटन पीजेंट, है ना, यहाँ से जो ये 3-4 लाइनें आ रही हैं, इनको हम, कोई आंसर नहीं बनता है हमारे क्वेश्चन का, इसलिए हम उसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, है ना, तो उसका नाम शॉर्ट स्टोरी है, काफ़ी लॉन्ग स्टोरी है। अब यहाँ पर ये 3-4 लाइनों में ये बताना चाह रहा है ओवरऑल लेखक कि जो घर होते हैं, जिन घरों के अंदर बड़े बड़े हॉल होते हैं, वो हमेशा से चाहती थी कि हमारा एक ऐसा घर हो जिसमें बड़ा हॉल हो, है ना, मैं ऐसी पार्टीज़ में जाऊँ जहाँ बड़े बड़े सुंदर सुंदर लोग आते हों, है ना, वो सारे के सारे राजकुमारों टाइप दिखते हों, मेरा रहना खाना पीना गाउन्स ऊँची ऊँची कपड़े, ये सारे उसके ख्वाब थे, ये सारी ख्वाबों में ही वो जीती थी और दिन भर वो यही सोचती यही करती थी। पति इतना अच्छा था कि बेचारा छोटी सी नौकरी में था, लेकिन जब देखा कि इतनी नाजुक सी इतनी सुंदर सी है तो घर में सर्वेंट लगवा दिया, औकात से बाहर जाकर भी घर में सर्वेंट, तो सर्वेंट काम किया करते थे पूरे घर का, और ये बैठी रहती थी दिन भर और इसको कोसा उसको कोसा, इसके बारे में सोचा उसके बारे में सोचा, और अपने आप को सिर्फ बुरा ही पाती थी ये कि मैं कहाँ फंस गई गरीबी में आके, है ना। सो When she sat down to dinner before the round table covered with a table cloth, जब वो अपने पति के साथ डिनर करने बैठती थी, है ना, तो राउंड टेबल पे बैठती थी, है ना, वहाँ पर क्या होता था उसके अपोजिट हस्बैंड के, है ना, who uncovered the soup tureen, है ना, सूप के ऊपर का उन्होंने जो है बाउल के ऊपर का बर्तन जब हटाया, सूप की महक ली, उसके पति ने बोला कि आह द गुड सूप, कितना अच्छा सूप है ये, आई डोंट नो एनी थिंग बेटर देन देट, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, है ना। तो वो क्या सोचा करती थी उस समय भी डिनर पे बैठी है कि हम कहाँ ये सड़ी सी टेबल पे बैठे हुए हैं, काश हमारे पास चांदी के बर्तन होते, है ना, वो लिख रहा शाइनिंग सिल्वर वेयर, काश हमारे पास शाइनिंग सिल्वर वेयर होते, चांदी के बर्तन होते, ये सड़ा सा कपड़ा नहीं लगा होता इस टेबल के ऊपर, ऐसा कपड़ा लगा होता जिसके ऊपर वॉरियर्स मंडे हो, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हों, कोई पक्षी बना हो, डिज्नी का पूरा, डिज्नी जैसे डिज्नी के कार्टून्स होते हैं वैसा कुछ उसके ऊपर बना हुआ हो, इसमें लिखा नहीं है डिज्नी के कार्टून्स, लेकिन उसकी इमेजिनेशन थी कि फेरी टेल्स छपी हो, इतने सुंदर सुंदर हाथों से बुने हुए कपड़ा इस टेबल पे रखा होना चाहिए, है ना। तो वो बस ख्वाबों में ही जीती थी, उसको सिर्फ ऊँचा ऊँचा दिखाई देता था, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहती शी हैड नो गाउन्स नो ज्वेल्स नथिंग, उसके पास ना पहनने को अच्छे गाउन्स थे ना ज्वेलरीज थी, कुछ भी नहीं था, एंड शी लव्ड नथिंग बट दैट, लेकिन उसको उसके अलावा कुछ पसंद ही नहीं था, उसको सिर्फ उन्हीं चीज़ों से प्यार था, महंगी महंगी ज्वेलरी महंगी चीज़ों से। शी फेल्ट मैड फॉर दैट, और वो उनके लगकर पागल थी कि उनको वही, उसको वही चीज़ें चाहिए थी। शी वुड हैव लाइक एंड मच टू प्लीज टू बी इन्वाइट टू बी चार्मिंग टू बी सॉट आफ्टर, वो ईर्ष्या करती थी उन लोगों से जिनके पास ये सब कुछ होता था, वो भी चार्मिंग दिखना चाहती थी, वो भी अच्छी दिखना चाहती थी, लेकिन उसके पास सुविधाएँ नहीं थी। शी हैड अ फ्रेंड अ फार्मर स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट, जब वो स्कूल में थी तो उसकी एक फ्रेंड थी हु वॉज रिच, जो बहुत ही अमीर थी, एंड हुम शी डिड नॉट लाइक टू गो टू सी, अब वो उसके पास जाती नहीं है, मिलने नहीं जाती है, बिकॉज शी फेल्ट सो सैड व्हेन शी कम होम, क्योंकि जब वो घर आती है तो उसको बहुत ही बुरा लगता है, है ना, वो औरतों में, है ना, स्पेशली लड़कियों में ये चीज़ें होती हैं, है ना, कि वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा बुरा मान जाती हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने अपनी हकीकत या हमने अपनी पुअरनेस किसी और को शो करी तो हम नीचे गिर जाएंगे या हमें वो इंसान बुरा समझेगा, तो वो अपनी जो फ्रेंड थी जो कि काफ़ी अमीर थी इसके मुकाबले, उससे मिलने ही नहीं जाती थी कि वो मेरी इंसल्ट करेगी ये सोचकर, ठीक है। बट वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम विथ अ ट्रिम्फेंट एयर एंड द होल्डिंग अ लार्ज एनवलप इन हिज हैंड, एक दिन इसका पति आता है, उसके हाथ में एक लार्ज एनवलप है, एक लेटर है, है ना। देयर सेड ही देयर इज़ समथिंग फॉर यू, वो अपनी बीवी के हाथ में देता है और कहता है ये लो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ।
शी टोर द पेपर क्विकली, वो पेपर को फाड़ती है ना, उसमें से प्रिंटेड कार्ड निकालती है जिस पे ये शब्द लिखे हुए हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, और मैडम जॉर्ज रैम्पन रिक्वेस्ट करती है मिस्टर और मिसेस लुइजल से, मैडम लुइजल से कि मिस देखिए हुआ क्या है, मिनिस्टर के घर पार्टी है, बॉल है ना, BALL, बॉल का मतलब गेंद तो होता ही है, बॉल का मतलब एक ऐसी पार्टी भी होता है जहाँ डांस भी हो और खाना भी हो, उसको बॉल भी कहते हैं है ना। आई एम गोइंग टू अ बॉल, इसका मतलब नहीं मैं कि गेंद में चला जाऊँगा, इसका मतलब है कि मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ जहाँ खाने पीने का सामान भी है ना। तो वो बॉल का इन्विटेशन था, मंत्री जी के घर कुछ कार्यक्रम रखा गया था, पार्टी रखी गई थी, बॉल रखी गई थी जिस पे इन दोनों को बुलाया गया है। इंस्टीड ऑफ बींग डिलाइटेड, खुश होने की बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जो कि उसके पति ने सोचा भी था कि ये खुश हो जाएगी, शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल एंड क्रॉसली मटरिंग व्हाट डू यू विश मी टू डू विद दैट, वो फेंक देती है एनवलप को और कहती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ इस चीज़ का। वाई माई डियर आई थॉट यू वुड बी ग्लेड, अरे मुझे तो लगा था तुम खुश हो जाओगी, तुम कभी भी बाहर नहीं जाती हो, और कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी है ना, मैंने कितनी मुश्किल से इसे लिया है, सभी लोग इसे पाना चाहते थे लेकिन बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को मंत्री जी ने बुलाया है, हम लकी हैं कि हमें बुलाया है, वरना किसी भी क्लर्क को नहीं बुला रहे हैं वो, मुझे बुला लिया। शी लुक्ड एट हिम एन इरिटेटेड ग्लांस एंड सेड इम्पेशेंटली, उसने बड़ी तीखी निगाह से अपने पति की तरफ देखा, एंड वॉट डू यू विश मी टू पुट ऑन माई पैक, और क्या चाहते हो तुम, मैं क्या पहन के जाऊँगी वहाँ पर है ना। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसके पति ने तो सोचा ही नहीं था इस बारे में। ही स्टैमर्ड वाई द गाउन यू गो टू द थिएटर, इट लुक्स वेरी वेल टू मी, अरे वो जो तुम गाउन पहनती हो ना, जो थिएटर पहन के चले थे हम, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है वो तुम्हारे ऊपर। ही स्टॉप डिस्ट्रैक्टेड सीइंग दैट हिज वाइफ वाज वीकिंग, और जब वो ये कह रहा था कि महिला ने अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल कर लिया, इसका मतलब है उसने रोना चालू कर दिया, उसने आंसू टपकाना चालू कर दिए, दो बड़े बड़े आंसू उसके गालों से होते हुए नीचे टपकना शुरू हुए और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बेचारा आदमी वहीं पर पिघल गया। तो बाय अ वायलेंट एफर्ट शी कॉन्कर्ड हर ग्रीफ एंड रिप्लाइड अ काम वॉइस, जब उसके पति ने पूछा क्या हुआ तुम रो क्यों रही हो, तो उसने अपनी आवाज़ को कैसे तैसे बटोरा है ना, रोते रोते उसने कहा कुछ नहीं, ओनली आई हैव नो गाउन, मेरे पास ना कोई गाउन है ना, इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाने वाली हूँ, तुम अपने कार्ड को किसी और कलीग को दे दो, उसकी वाइफ के पास मेरे से अच्छे कपड़े होंगे पहनने के लिए, जाओ उसको दे दो। ही वॉज अ डिस्पेयर, वो बेचारा निराश हो गया, उसको समझ नहीं आया, उसने कहा कि चलो ठीक है मेथाइल, कितने रुपए लगेंगे गाउन, अच्छा गाउन आने के लिए है ना, और विच यू कुड ऑन अदर ओकेजन समथिंग वेरी सिंपल, कुछ ऐसा सिंपल सा जो तुम दूसरे ओकेजन पे भी पहन पाओ है ना। और अचानक ही जैसे मौसम बदलता है हमारे इंदौर में, ये धूप ये बारिश, वो जो अभी बारिश हो रही थी आंसुओं की, वो जो रो रही थी पैसों का नाम सुन के और नए ड्रेस का नाम सुनते से, अचानक ही उसका मूड ही चेंज हो गया पूरी तरीके से, और वो पैसे जोड़ के हिसाब बताने लग गई। अच्छा बोले दिला रहे हो क्या ड्रेस, कोई बात नहीं, उसने रोना बंद कर दिया तुरंत। शी रिफ्लेक्टेड सेवरल सेकेंड्स मेकिंग हर कैलकुलेशन, उसने कैलकुलेशन करी, एंड वंडरिंग ऑल्सो व्हाट सम द कुड आस्क विदाउट ड्राइंग ऑफ हर सेल इमीडिएट रिफ्यूजल, और इतने कैसे पैसे मांगू कि पति एकदम से मना भी नहीं करे है ना। उसने पूरा जोर जाड़ लगाया और कितने बताए, फाइनली शी रिप्लाइड आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई थिंक आई कुड मैनेज विथ 400 francs, जैसे हमारे रुपए होते हैं अमेरिका के डॉलर होते हैं, फ्रांस में फ्रेंक्स चलता है ना, उस समय तो बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे लिए 100 रुपये, आज से कोई 40 साल पहले 100 रुपये मांग ले मतलब हमारे लिए 1,00,000 रुपये मांग ली, तो 400 francs मांग चुकी थी वो अपने पति से, बहुत पुरानी स्टोरी है, उसके पति को बेचारे को हार्ट अटैक आते आते बचा 400 franc का नाम ड्रेस के लिए सुनते सुनते। ही ग्रू लिटिल पेल, वो बेचारा बीमार सा पड़ गया नाम सुनते से 400 francs का, बिकॉज ही वॉज लेइंग असाइड जस्ट द अमाउंट, वो इकट्ठे तो कर रहा था पैसे, उसका बर्थडे आ रहा था, और आदमी की भी अपनी इच्छाएं होती है, अपने अपने अलग शौक होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखेंगे कहीं ऐसे दीवाने होते हैं आदमियों में भी, कम नहीं होते पागल आदमियों में भी है ना, जो मैच देखना होता है तो 1-1.5 लाख के टिकट्स ले लेते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मैं मैच के टिकट ले लूँगा 1-1.5 लाख की, तो वो इतना खर्चा एक मैच की टिकट के लिए कर देते हैं है ना। तो अपने अपने शौक होते हैं, वो पैसे इकट्ठे कर रहा था, उसे गन, उसे शिकार का शौक था, वो एक गन खरीदना चाहता था और अपने दोस्तों के साथ समर में
पार्टी जंगल वंगल में तफरी करने जाना चाहता था, लेकिन आदमी का नाम त्याग, बेचारे को त्याग करना पड़ा अपनी पत्नी के लिए. ही सेड वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स एंड टू हैव प्रेटी गाउन. जा गाउन ले लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा पैसे. द डे ऑफ द बॉल ड्रू नियर एंड मैडम लुइजल सीम्ड सैड. अब बॉल की तारीख पास में आ गई, अभी भी वो दुखी थी. फिर उसका हस्बैंड आता है, पूछता है कि अब क्या हुआ, अब तो तुम्हारे पास अच्छी सी ड्रेस है पहनने के लिए, 3 दिन तो बचे हैं अब. वो कहती है कि मुझे ये चीज़ बहुत ही परेशान करती है कि मेरे पास ज्वेलरी भी नहीं है, पहले गाउन और अब उसको वो ज्वेलरी भी चाहिए. नॉट अ सिंगल ऑर्नामेंट, मेरे पास कोई एक भी ऑर्नामेंट और एक भी ज्वेलरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या पहनूंगी, नहीं जाना पार्टी के अंदर. अब इसके पति का बेचारे का दिमाग ख़राब होता है, तो वो उसे एक आइडिया देता है कि अरे तुम्हारी वो जो फ्रेंड है ना, काफ़ी रिच है, क्या नाम है उसका, मैडम फ्रोस्टर, एक काम करो ना, मैडम फ्रोस्टर से एक दिन के लिए उसके पास से ज्वेलरी उधार ले लो. और शी अल्टर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, ओ आई हैव नेवर थॉट ऑफ इट. अरे हाँ, अच्छा आइडिया है, मैंने तो सोचा भी नहीं था इसके बारे में. अगले दिन वो अपनी फ्रेंड के पास चली जाती है. मैडम फ्रोस्टर उसको देख के खुश तो होती है, और जब वो उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हारी कोई ज्वेलरी ले सकती हूँ, तो मैडम फ्रोस्टर चाहती तो जान कर और चाहती तो एक आध दो ज्वेलरी ला के उसको दे सकती थी जो वो ले लेती, लेकिन महिलाएं, उसने क्या करा, पूरा का पूरा बॉक्स उठा के लाई ताकि मेथाइल देखे कि देख मेरे पास इतनी सारी ज्वेलरी है जो तेरे पास तो होगी भी नहीं. उसको जलाने के लिए वो जान करके पूरा का पूरा ज्वेलरी का बॉक्स उठा के लाती है. मेथाइल उन सारी ज्वेलरीज को ट्राई करती हैं, है ना, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है. और फिर महिलाओं की आदत होती है, और कुछ है क्या, और कुछ है क्या, इसके अलावा भी कुछ और है क्या, है ना. तो वो भी वही कर रही थी कि और कुछ भी है क्या, है ना. शी थ्रू हर आर्म्स राउंड हर नेक, वो सारी चीज़ें देख लेती. अचानक उसके हाथ में आता है एक डायमंड नेकलेस, और उसको पहली नज़र में वो भा जाता है. और वो मैडम फ्रोस्टर से कहती है कि क्या तुम मुझे ये उधार दे सकती हो, मैं बहुत जल्द लौटा दूंगी. मैडम फ्रोस्टर कहती है हाँ ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना. और फिर क्या होता है, द नाइट ऑफ द बॉल अराइव्ड, आखिरकार पार्टी की रात आ पहुंची. मैडम लुइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, बहुत सुंदर लग रही थी, नई ड्रेस थी, सुंदर तो वो शक्ल से थी ही, डायमंड का नेकलेस पहना था गले के अंदर, बहुत ही ज़्यादा वो प्रसन्न थी. और जब वो पार्टी में पहुंची तो बहुत ही फेमस हुई वो पार्टी में, शी वॉज प्रिटियर देन एनी अदर वुमन प्रेजेंट. जितनी भी महिलाएं वहाँ पर प्रेजेंट थी उन सब में सबसे ज़्यादा सुंदर लग रही थी मेथाइल्ड, स्माइलिंग एंड फिल्ड विद जॉय, मुस्कुरा रही थी, खुश थी. ऑल द मैन लुक्ड एट हर, सारे आदमी उसे ही देख रहे थे, आज हर नेम उसका नाम पूछ रहे थे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे थे. ऑल द अटैच ऑफ द कैबिनेट, जितने भी मंत्री थे ना, वो उसके साथ मिलना चाहते थे, उसके साथ डांस करना चाहते थे. इवन मंत्री जी ने खुद ने, है ना, उनसे आकर उसका हालचाल पूछा और उसके बारे में जानना चाहा था. नाउ दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. वॉट हैपन्स नेक्स्ट, पार्टी में आ गई है, पार्टी से कहाँ जाएगी गाड़ी और क्या होगा, जानने के लिए हमें सेकेंड पार्ट का वेट करना है. और बिल्कुल इसके बाद आप सेकेंड पार्ट को देखें, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था क्योंकि, और सेकेंड पार्ट में हम स्टोरी का एंड देखेंगे, देन वी विल सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. सो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग.